पूरे प्रदेश भर के हर जिले की मीटिंगें रखी है। 5 जिले शेष रहेंगे, 19 आज मेरे 19 के अपने 17 आज कंप्लीट हो गए। और कल जींद है, जींद के बाद कैथल है, परसों कुरुक्षेत्र है, फिर 24 तारीख को रिवाड़ी और महेंद्रगढ़ है। सारे जिले कंप्लीट हो जाएंगे। हमने जो इन दिनों में बेकायदगियां सरकार की हुई है, लोगों तक वो बात कैसे जाए, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई है जिले वाइज, कि वो हर गांव में, शहर में, कस्बे में, हर वार्ड में जाकर के बताए कि कैसे इन्होंने 3 साल के अंदर एक ठगबंधन बना करके पूरे प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। कोरोना से काल से लेकर के कोरोना से पहले सरकार बनने के बाद जितने घोटाले हुए, हम उनके बारे में सबको अवगत करा रहे हैं। एक पंपलेट छाप रहे हैं हम अपनी पार्टी की तरफ से, जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर कार्यकर्ता के घर में उसके हाथ तक पहुंचाएंगे। वो गांव के अंदर उसकी फोटोकॉपी कराएगा, एक एक आदमी को बताएगा। जहां हम जनरल के हमारे कैटेगरी के लोगों की ड्यूटी लगाएंगे, वहीं अब हमने हर गांव के अंदर हमारे जो 16 सेल हैं उन सभी सेलों का एक एक अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। उन सब की ये ड्यूटी लगाएंगे कि आप अपने अपने गांव के अंदर सबको ये सारी जानकारियां दो कि सरकार कैसे इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है, कौन कितने परसेंट पैसे, बकायदा बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट का मंत्री इतने परसेंट पैसे लेता है, इस डिपार्टमेंट का मंत्री इतने लेता है, नौकरी के नाम पे एसएस बोर्ड इतना ले रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन इतना ले रहा है, सारी चीज़ डिटेल से देंगे। और जो अब कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट है, जिस तरह से MLAs को थ्रेट आई, पहले तो आम लोगों को, व्यापारियों को थ्रेट देते थे, और वो भी सत्ता के साथ लगे हुए लोग जो थे जिन्हें सरकारी संरक्षण था, वो कहीं इस तरह की थ्रेट दे करके पैसा वसूल करके अपनी जेब भरते थे, उनको भी चंदे के रूप में पैसे दे करके अपनी जगह बना के रखते थे। अब जनप्रतिनिधियों को मिलने लगी थ्रेट MLAs को, और उसके साथ साथ कौन किसकी सुरक्षा करे, सुरक्षा तो काम पुलिस का है, अगर पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी के ऊपर अगर कोई डंपर चढ़ा करके मार देगा तो इसका मतलब जो माफिया है उस माफिया को किसी का डर नहीं है। माफिया कौन चलाता है, जिसको सरकार का संरक्षण हो वो चलाएगा, बिना सरकार के संरक्षण के बिना कोई माफिया नहीं चल सकता। इसका मतलब वहाँ जो SP ने बयान दिया है, हैरानी की बात है, एक DSP के ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया, उसको मार दिया गया, और SP ये कहता है कि इसमें कोई माफिया नहीं है। क्या SP कहता है, क्योंकि SP ने क्या कह रहा है, SP से कलवाया जा रहा है सरकारी दबा बना करके कि यहाँ गाँव के लोग जो है जाते हैं पहाड़ से पत्थर तोड़ते हैं, अपने डंपरों में भरते हैं और ला करके अपने घरों में यूज करते हैं, बेच देते हैं। तो इसका मतलब जो SP लगा हुआ है वहाँ पे, क्या सरकार ने उसको इसलिए वहाँ SP नियुक्त किया है कि वो इस तरह से लोगों को छूट दे कि जो मर्जी जाए, जहाँ से मर्जी पहाड़ तोड़ ले और ला करके बेचना शुरू कर दे, और माफिया किसको कहोगे? इसका मतलब वो SP भी कहीं ना कहीं यानी इस तरह के लोगों से मंथली लेता है, जानकारियाँ भी दी है। और उसके साथ साथ 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती है जो हम फतेहाबाद में मना रहे हैं, और उसका भी लोगों को जहाँ निमंत्रण दिया है वहाँ ड्यूटियाँ लगाई है कि आप अपने अपने वार्ड से, गांव से, कस्बे से ज़्यादा साथियों को लेकर के फतेहाबाद आओ। मुझे उम्मीद है कि ये जो जयंती होगी ये सबसे बड़ी होगी, इसमें कोई गिनती नहीं होगी लोगों की कितने लाख लोग हैं। इस 25 सितंबर को इस बात की स्टैंप लगेगी हरियाणा में कि 2024 में किसका राज आएगा। आप ये देखो ना कि सरकारी स्कूलों को कैसे संरक्षण मिले, उसके लिए सरकार ने लोगों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें देना पड़ेगा,
प्राइवेट में पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चों की फीस हम दे देंगे, तुम प्राइवेट में भेजो। इसका मतलब सरकारी स्कूल बंद करना चाहती है। आप हवाई जहाज में मेरे साथ सफर करते हो, आप किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखते हो, आपने और मैंने एक ही जगह पे जाना है, हमारी कोई गोलियां चली हुई है, हम कोई एक दूसरे के दुश्मन है, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हम अपनी लोगों के अंदर जाए अपनी पॉलिसी अपना पार्टी का एजेंडा जो वो लेकर के जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। एक गाड़ी में अगर साथ बैठ गए, कोई गुनाह कर दिया, मेरे खिलाफ जो लोग वोट डालते हैं, अगर उनके घर में कोई ब्याह शादी है, उनके घर में कोई डेथ हो जाती है, क्या मैं जाऊंगा? नहीं, ये तो खामखा की बात है कि तीनों इकट्ठे कैसे बैठ गए। एक हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, मैं भी अपना वोट डालने जा रहा था, वो भी अपना वोट डालने जा रहे थे, मेरी गाड़ी वहां लगी हुई थी, आज सबसे आगे मेरी खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा तुम वोट डालने जाओगे? बोले डॉल डालने जाएंगे, तो आ जाओ बैठ जाओ। वो बैठ गई। इसमें क्या है, जिस दिन चुनाव आएगा, जिस दिन हरियाणा प्रदेश की कोई बात आएगी, उस दिन ना तो मेरा कांडा जो सगा कोई और ना कोई और है, उस दिन मैं उसी रूप में खड़ा मिलूंगा जिसमें पहले था। चौधरी रणजीत सिंह मुझे ये बात कह दे कि वे तू साबुत कर इस बात को, मैं जिस आदमी से पैसे लिए गए उसको थारे सामने बैठा दूंगा, वो बयान दे देगा, बता देगा कि मैंने कितने पैसे दिए हैं, कौन लेके गए। अंकल के साथ कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता, वो मेरे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन अगर वो कहीं मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, मुझे कहीं झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये मान के चलो मैं हर हालत के अंदर सबूत के साथ उन चीज़ों के सामने रख दूंगा, फैसला फिर तुम कर देना। क्या मैंने आज तक जो बातें तुम्हारे बीच में कही है उसमें कभी कोई कमी मिली आपको? मैं वो बात ही करूंगा तुम्हारे बीच में बैठ करके जो बात 100% ठीक होगी। मुझे आदत नहीं है झूठ बोलने की, अपनी बड़ाई करने की।